मुझे केवल यह बता दीजिए आपके हिसाब से वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या नहीं। भाई गवर्नमेंट अगर कह रही है तो होंगे, हो सकता है कि जितनी तादाद गवर्नमेंट कह रही है उतने ना हो, उससे कम हो, उससे ज्यादा हो, ये तो ये एनआरसी प्रिपेयर होने के बाद जब हो जाएगा तो मेरे कहने से कहता हूँ। कल आप कहेंगे कि बदरुद्दीन साहब ने कहा वहां बांग्लादेश नहीं, मैं कैसे कह दूंगा? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपका नाम लेकर वो है वो गवर्नमेंट, आप चिंता मत कीजिए, उनको आइडेंटिफाई, आपका नाम लेकर कुछ नहीं कहेंगे जी। आप साफ साफ बता दीजिए आपके हिसाब से कितने हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां? नहीं नहीं, मैं अपना नाम लेने की बात नहीं है, जबरदस्ती जो है आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि इतने लाख बांग्लादेशी है, तो इससे पहले लोग जो है वो एक गवर्नर साहब कह चुके हैं हर रोज 6,000 आ रहे हैं, एक गवर्नर साहब ने कह दिया कि 50 लाख आ गए, सेक्टर साहब ने कह दिया 40 लाख आ गए, जायसवाल साहब ने कह दिया कि 60 लाख आ गए, तो इस तरीके से लोग बोलते चले आ रहे, हुकूमत के लोग बोलते आ रहे, गवर्नमेंट उसी के हिसाब से एनआरसी प्रिपरेशन का प्रोग्राम लिया और वो इंशाल्लाह तो उन्हीं जिलों में काम करते हैं बांग्लादेशी हैं। क्लियर हो रहा है, आपके पार्टी के मेंबर्स के 90% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यहाँ पर होली का मत बनिए, यहाँ लोगों को मत बताइए कि आप डेमोक्रेटिक हैं। असम में दंगा करवाने का काम आप करते हैं, आप कॉम्युनल इंजीनियरिंग कर रहे हैं असम में, आप असम को हिंदुस्तान से अलग करने वाली पार्टी के नेता हैं। देखिए अपनी जुबान को, आप नहीं, आप मीडिया में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, इस मुल्क में कोर्ट भी है, आपके तीन मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो को देख लीजिए, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते, थोड़ा सा डिले, ये आपका तरीका बिल्कुल सही नहीं है, आवाज में क्यों आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आपको मुझे धमकी देने का क्या हक है बदरुद्दीन? अगर हमने फसाद कराया तो आप उसको प्रूफ कराइए बदरुद्दीन, हमारे पर केस चलाइए बदरुद्दीन अजमल, ये बहुत गलत आप जो आवाज सुन रहे थे, इस तरीके से मीडिया को आप जो आवाज सुन रहे थे वो प्रोफेसर राकेश सिन्हा की थी जो आरएसएस के जानकार हैं। बंद करो, आप उठ गए, बदरुद्दीन अजमल उठ गए क्योंकि या तो उनको आपका सवाल धमकी देने का, आप दंगे करा रहे हैं, समझ नहीं पाए कि उनसे सवाल कौन कर रहा है, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी गिनना हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है, और हम तो कहते हैं कि अगर कोई बांग्लादेशी आता हुआ दिखाई देता है तो सरकार उसे रोक ले।